उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये कौन सी चीज़ है? चीज़ है, कंफ्यूज हो गए हो या शर्म आ रही है, क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो गए एकदम। नहीं दादा। क्यों नहीं अंदाजा? सवाल अब आपने ऐसा ही मुश्किल है, एक और बहुत आसान सवाल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन उर्दू पॉइंट के साथ, मैं हूँ रिदा सईद। मैं लेकर आई हूँ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा कुछ यूँ है, वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके दांत भी होते हैं, ना वो खाती है ना ही वो काटती है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट से बताइए। यहाँ से चल के लोगों से मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा। महद। अच्छा महद, मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है। किस तरह का? ईजी है। जी बोल। कैसी कॉमन सेंस है आपकी? ये आप चेक कर लें। चेक कर, क्या करते हो आप? अब मैरिड हूँ। हाउसवाइफ? मैम आप सवाल पूछें, उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगा। वैसे उससे पहले तो आपको कुछ आइडिया तो होगा कि मेरी कॉमन सेंस इतना काम करती है। जी कर लें सवाल, मैं बता दूँगा। नॉर्मल है। बस नॉर्मल है जी। क्या अच्छी है? ठीक है। ये तो आप क्वेश्चन आप पूछेंगे तो पता चलेगा। बस नॉर्मल है। बस नॉर्मल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो पहले तो ये बताओ? मैं नाइन्थ में हूँ। नाइन्थ में हो? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी होगी कॉमन सेंस, क्योंकि इस एज में बच्चों की कॉमन सेंस बहुत अच्छी होती है। नहीं इसकी है, चार साल बाद स्कूल ज्वाइन किया है इस वजह से। अच्छा तो हिफ्ज करते हुए या वैसे स्कूल ज्वाइन के बाद माशाल्लाह आप हाफिज़े कुरान हैं, तो आपने कभी पहेलियाँ वगैरह या इस तरह के क्वेश्चन किए हैं घर में कजन्स के साथ? किए मैम। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसी होगी कैसी नहीं। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके दांत भी होते हैं, ना वो काटती है ना वो खाती है? दांत भी होते हैं, काटती भी है। काटती नहीं है ना वो खाती है? नहीं है। मछली? मछली। मछली के दांत कभी आपने देखे हैं? अब कैसे देखे हैं, कितने दांत होते हैं मछली के? लीजर। लीजर। लीजर क्या? छिपकली। लिजर्ट। लिजर्ट वो चीज़ है। लिजर्ट। लिजर्ट कीड़े मकोड़े खाती है। खाती नहीं है कीड़े? नहीं खाती। खाती है हाँ, वो खाती है कीड़े, खाती है। नहीं पता। क्यों नहीं पता, इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है? कोई हिंट मतलब कोई गैस कर दो, क्या पता गैस आपका सही निकल आए। इसके दांत है ना वो काटती है ना वो खाती है। दोबारा क्वेश्चन करें, मुझे समझ नहीं आई। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ना जिसके दांत है ना वो खाती है ना वो काटती है? ये कौन सी चीज़ है? चीज़ है। किसको बुला रहे हैं? भाई को। जी जी आप बुलाइए हेल्प के लिए। नहीं पता। क्यों नहीं पता? नहीं पता भाई। मैंने चीज़ कहा है। जानवर है कोई? नहीं। चीज़? चीज़ नॉन लिविंग थिंग है। वो कौन सी चीज़ है जो जिसके दांत भी हैं वो खाती भी नहीं है और काटती भी नहीं है? जिसके दांत भी नहीं है, काटती भी नहीं है, दांत हैं। कंफ्यूज हो गए हो या शर्म आ रही है, क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो गए एकदम। कंफ्यूज क्यों हुए हो? वैसे ही क्यों? सवाल अब आपने ऐसा ही मुश्किल है, एक और बहुत आसान सवाल है। सोचो कौन सी ऐसी चीज़ है। चलो मैं आपको हिंट देती हूँ, हम डेली यूज़ करते हैं। सॉरी। फिर सॉरी? कितनी बार सॉरी करना है? बस अब याद ही नहीं आ रही कौन सी चीज़ है ऐसी। आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो याद आएगी ना। दिमाग पे जोर डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे। डाल रहे? हाँ डाल रहे हैं। हाथी तो नहीं है? नहीं। हाथी खाता तो है? तो है, लेकिन दांत भी होते हैं उसके? नहीं दादा। क्यों नहीं अंदाजा? क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल है। बहुत आसान सवाल है, आप बता दें। मैं आपको चलो हिंट देती हूँ, वो चीज़ हम डेली यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ, वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है? जानवर? जानवर नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। चीज़? स्टफ्ड टॉय वगैरह यूज सकता है फिर, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो। टॉयज के दांत कैसे होते हैं? मतलब आप अभी अपने पीछे स्टफ टॉयज देख लें, किसी एक के भी दांत नहीं होंगे। जूता तो नहीं है? नहीं। जूते के दांत कहाँ से होते हैं? जूते खाते भी हैं, जूते खाते भी हैं। चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं। डेली यूज़ करते हैं? ब्रश तो नहीं? ब्रश कौन सा? टीथ ब्रश? नो। उसके दांत होते हैं? उसके दंदाने तो होते हैं ना। हाँ बहुत करीब हैं। बहुत करीब हैं। फिर पेस्ट होगी? कौन सी ऐसी पेस्ट है जिसके दांत होते हैं? नहीं ब्रश से रिलेटेड तो वही है, करीब करीब। नहीं आ रहा आपको? बताऊं? कंघी।
कंघी कैसे? उसके दांत हैं वो खाती चीज है वो हम यूज करते हैं। कंघी के दांत होते हैं? हाँ एग्जैक्टली कंघी ही थी। कैसे आया दिमाग में पहले तो ये बताएं। आपने जो हिंट दी है वो बहुत अच्छी दी है। चलो गुड कंघी है थैंक यू। ओके चलिए आप मुझे कोई कुछ शेयर करना चाहें ऑडियंस से कोई रेसिपी कुछ भी? कुछ भी नहीं बस ये है कि नफ़रतें ख़त्म करके आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें और इसी से ही ज़िंदगी में बहार है। तो जी नासिन आज के मेरे सवाल का जवाब था कंघी। कंघी के दांत भी होते हैं ना वो कुछ खाती है ना वो किसी को काटती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। तब तक के लिए अपनी होश रिदा सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।